गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपना सेकेंड चैप्टर जो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है ना, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमने रीड किया था, जिसमें हमने क्या रीड किया था कि कंप्यूटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो हमने ये क्या पढ़ा था ना कि कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप भी होता है, लैपटॉप भी होता है, स्मार्टफोन भी और टैबलेट भी, है ना। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये इसके फीचर्स हमने इस पर असाइन किए थे कि कौन सा फीचर कौन से वाले कंप्यूटर कर सकता है ना। ऐसे ही अब हमने ये वाला पेज भी किया था, ये एक्टिविटी हमने की थी लास्ट टाइम, और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपने अपने पापा से पूछ के और मम्मी से पूछ के ये फिल करना था, है ना। उसके बाद अब हम आज यहाँ से रीड करेंगे कि कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले क्या है, बुक टिकट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, कि आप एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशंस पे अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हो। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, आप लर्निंग को जो आप लर्न करते हो उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और क्रिएट प्रेजेंटेशंस एंड मूवीज, आप प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हो और मूवीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। आप जब कंप्यूटर यूज करते हो तो आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो और मूवी भी क्रिएट कर सकते हो, आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, क्रिएट एनिमेशंस, आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने मिकी माउस का कार्टून लिया और उसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डिजाइन मैगजीन्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। आप क्या करते हो, मैगजीन को डिजाइन करते हो, बुक को डिजाइन करते हो और न्यूज़पेपर को, ठीक है। उसके बाद है मेंटेन रिकॉर्ड्स, सच एज कीपिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। आप क्या करते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जैसे आप कीप कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो बुक्स के रिकॉर्ड को लाइब्रेरी में, ठीक है। तो वो सारा रिकॉर्ड भी आप कंप्यूटर में फीड कर सकते हो। स्टोर फोन नंबर्स, फोन नंबर स्टोर कर सकते हो, पिक्चर स्टोर कर सकते हो, वीडियो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेट विद पीपल, आप लोगों से बात कर सकते हो अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अराउंड द ग्लोब मतलब कि पूरे वर्ल्ड में आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ओके। कंट्रोल रॉकेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर मशीन्स, आप रॉकेट्स को कंट्रोल कर सकते हो, सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हो और बाकी मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोस डिसीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज। डिसीजेस क्या होते हैं, बीमारियां, आप बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हो और सर्जरी को भी, जो सर्जरीज होती है ना कि वो कैसे होती हैं वो आप देख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से। उसके बाद कंपोज म्यूजिक, इसमें आप अपने म्यूजिक को, जैसे आप सॉन्ग्स, आपके म्यूजिक बहुत अच्छा है तो आप अपने म्यूजिक को कंपोज कर सकते हो। असेस बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन, आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ही अपने बैंक के अकाउंट्स को असेस कर सकते हो कि आपके बैंक में अकाउंट में कितनी मनी है, कितनी विड्रॉल हो चुकी है, कितना सेव हुआ है, तो आप घर बैठे ही जान सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो। आपकी मम्मा करते हैं ना, घर बैठे फोन पे शॉपिंग करते हैं ना, वैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आपके घर पे ही आ जाता है सामान जब आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, है ना। उसके बाद कैलकुलेट बिल्स, कैलकुलेट बिल्स का मतलब होता है जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर बिल्स आते हैं, तो आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो कंप्यूटर पे कि आपका बिल सही आया या नहीं, ठीक है। उसके बाद है टाइप एंड सेव लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आप लेटर और डॉक्यूमेंट्स को टाइप भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो, ठीक है। फिर है सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जब गूगल चलाते हो ना तो गूगल पे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। जैसे आपको मैम ने होमवर्क दिया है कोई, तो आप उसके बारे में गूगल से सर्च करके आप आइडियाज ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं कंप्यूटर के जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रीड करते हैं इसकी रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में क्या पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर गेम, पहली कंप्यूटर गेम का नेम फाइंड आउट करना है आपने। तो पहली कंप्यूटर गेम का नाम क्या होता है, स्पेस वार। मैंने पहले लिखा हुआ बेटा, क्या नाम है उसका, स्पेस वार, ठीक है। तो आपने ये लिखना, सबसे पहली जो कंप्यूटर गेम बनी थी ना वो स्पेस वार थी, ठीक है। उसके बाद अब डोबो और डैड की बात हो रही है। डोबो क्या कह रहा है, डैड आई वो, हाँ जी, इसमें डोबो कह रहा है डैड को कि मेरा फ्रेंड जो है वो कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने गया अपने फादर के साथ, किले देखने गया है। डैड, ओके, वी विल विजिट एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट, तो हम भी देखने चलेंगे दिल्ली में। लेट मी फाइंड आउट ऑन इंटरनेट विच वन टू विजिट एंड हाउ टू रीच देयर, मेरे को पहले नेट पे चेक करने दो कि हम वहां पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स विजिट पुराना किला टुडे, आज हम पुराना किला देखने चलते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय द अफगान किंग शेर शाह सूरी।
डोबो डैड हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है? डैड आई फाउंड इट ऑन द इंटरनेट, मैंने ये सब इंटरनेट से देखा है. यूजिंग इंटरनेट वी कैन फाउंड एनीथिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट वी लाइक इट. ठीक है, जो हमें जानना होता है हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. ओके, बट बिफोर वी गो आउट लेट मी फर्स्ट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द इंटरनेट. पर लेकिन जाने से पहले मुझे एटीएम से मनी विदड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, डोबो हाउ डज एटीएम गिव मनी, कैसे एटीएम मनी देता है? डोबो कहता है डैड एटीएम ऑल्सो हैज अ कंप्यूटर, एटीएम के पास भी कंप्यूटर होता है. इट हेल्प्स अस विदड्रॉ मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट एनी टाइम एनी वेयर. एटीएम के पास कंप्यूटर होता है, वो हमारी हेल्प करता है कि हम कहीं से भी मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम और कहीं पर भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. आगे क्या है कि कहाँ कहाँ और कंप्यूटर होता है? एट द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन होता है ना दिल्ली में, दिल्ली में वहां भी कंप्यूटर का यूज होता है ना. उसमें कैसे जो होते हैं, जो हम मेट्रो की टिकट लेते हैं तो वो किसकी हेल्प से दी जाती है? कंप्यूटर की हेल्प से, है ना. तो कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन. डैट डोबो बोल रहा है कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन दैट ऑल्सो इशू अ टिकट फॉर अस. डैड आई एम फीलिंग हंग्री. अब डोबो कह रहा है कि मैं बहुत हंग्री फील कर रहा हूँ. तो अब वो कहाँ पे आ गए? कैफेटेरिया में. अब कैफेटेरिया में भी वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि वहां भी कंप्यूटर यूज हो रहा है. ठीक है, तो वहां पे डोबो ने क्या कहा? डोबो आई वॉन्ट दिस चिप्स एंड सम जूस. डोबो ने वहां पे चिप्स और जूस मांगे. डैड ने कहा लेट अस गेट देम बिल्ड, कि अब मैं उसका बिल देता हूँ. डोबो आई वॉन्ट अ कंप्यूटर हेयर ऑल्सो. डोबो ने देखा कि यहाँ पे भी कंप्यूटर है. डैड यस डियर, कि यहाँ पे भी कंप्यूटर है. आई अ कंप्यूटर इज यूज फॉर बिलिंग एंड ईटिंग जॉइंट्स एंड शॉपिंग दैट वन नियर आवर हाउस. कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारे बिल्स को जितने हमारे बिल्स होते हैं ना उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम कैफेटेरिया में कंप्यूटर यूज करते हैं. तो ऐसे ही और भी कई प्लेसेस हैं जहां पे कंप्यूटर यूज होता है. अभी हमने किस किस का देखा है? मेट्रो स्टेशन और कैफेटेरिया. ठीक है, अब इसी की एक्टिविटी है यहाँ पे. लिस्ट द वेरियस प्लेसेस वेयर डोबो सॉ द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड. कहाँ कहाँ डोबो ने कंप्यूटर देखा? मेट्रो स्टेशन में और कैफेटेरिया में. तो आपने भी यही लिखना है. थिंक एंड लिस्ट द प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड. आपने उन प्लेसेस के नाम बताने हैं जहां पे आपने कंप्यूटर को यूज करते हुए देखा है. तो आप यहाँ लिख सकते हो स्कूल, लिख सकते हो बैंक, लिख सकते हो हॉस्पिटल, ऑफिस, शॉप, एयरपोर्ट, है ना. तो आप ये लिखते हैं ना. उसके बाद अब आपका है आगे चैप्टर में, इसमें है कैन यू नेम फ्यू सच सिमिलर मूवीज और गेम्स वेयर एनिमेशन हैज बीन यूज्ड. क्या आप मुझे कुछ गेम्स और मूवीज के बारे में बता सकते हो जहां पे एनिमेशन यूज होती है? तो उसका नेम है, एक है आपकी क्लैश ऑफ क्लैन और एक है डॉक्टर ड्राइविंग. ठीक है, तो आपने भी यही लिखनी है. ये आपकी दो एनिमेशन मूवीज हैं. ठीक है, और गेम्स के नेम है, तो आपने भी यही लिखना है. उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपने रिकॉल करने हैं अपने मोबाइल नंबर्स ऑफ 10 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ठीक है, अपने 10 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के आपको मोबाइल नंबर याद करने हैं एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. और यहाँ पे लिखने हैं वेयर यू एबल टू राइट द फोन नंबर विदाउट रेफरिंग टू फोन बुक और टेकिंग एनी अदर हेल्प. कि आपको याद रहता है बिना देखे अपनी फोन बुक को कि आपके आपको याद है या नहीं है. तो आपको यहाँ पे 10 मोबाइल नंबर लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के या रिलेटिव्स के. ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है. और एक आपको ये एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको टास्क लिखनी है इनकी. जैसे टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर का टास्क क्या है? इट इज यूज फॉर टाइपिंग, है ना. म्यूजिक सिस्टम की टास्क क्या है? इट इज यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक. कैमरा की, इट इज यूज फॉर कैप्चर पिक. और फोन की, इट इज यूज फॉर कॉलिंग. तो आपने ये भी एक्टिविटी करनी है. तो आपने ये पेज नंबर 25 तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी आज करनी है. ठीक है बेटा, और ये आपकी असेसमेंट एक्टिविटी है. इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं है. आपको अपने आप को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करना है. आपको कोई 3 टास्क बतानी है जिसमें आप सोच सकते हो कि कंप्यूटर आपसे बेटर है. ठीक है, इट वर्क फास्ट. कंप्यूटर तो बेटर है, फास्ट वर्क करता है ना, आप नहीं कर सकते. इट नेवर मेक मिस्टेक, वो मिस्टेक कभी नहीं करता. इट नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी भी बीमार, कभी भी थकता नहीं है. ठीक है ना. और राइट द 3 टास्क इन विच यू फील यू आर बेटर देन कंप्यूटर. और कोई 3 टास्क बताओ जिसमें आप फील करते हो कि आप कंप्यूटर से बेटर हो. सबसे पहले वी हैव फीलिंग्स, कि हमारे पास फीलिंग्स होती हैं पर कंप्यूटर के पास नहीं होती. वी कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं बट कंप्यूटर नहीं ले सकता. वी कैन नॉट वर्क विदाउट कमांड, हम कमांड के बिना भी काम करते हैं. ठीक है, हम कमांड के साथ काम नहीं करते, हम कमांड के बिना भी काम करते हैं. तो आपने भी यही लिखना है. और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सेकंड, आपने ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी आपने आज पूरी फिल करनी है. बुक आपने जितनी भी इस चैप्टर में एक्टिविटीज हुई है ना, आपने सारी फिल करनी है. मैं आपको इसकी पिक्स भेज दूंगी.
ठीक है। यहाँ से मैं आपको इसकी सारी पिक्स जो हैं एक्टिविटीज़ की वो मैं आपको भेज दूंगी, आपने वो करनी है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।